गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, वी आर ऑन चैप्टर नंबर 5, दैट इज क्लॉथिंग मटेरियल। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर्स। मैंने आपको बताया था कि हमने दो टाइप की फाइबर्स पढ़े थे। यस, मैंने आपको बताया था बेटा कि दो टाइप के मेन फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स की अगर हम बात करें तो दो मेन टाइप के होते हैं, एक होगा आपका नेचुरल और दूसरा होगा आपका सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल। बेटा नेचुरल जो होता है वो आपको नेचर में मिलता है, सिंथेटिक जो होता है वो केमिकली लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। फिर नेचुरल में भी हमने एनिमल्स और प्लांट्स फाइबर्स के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स। तो बेटा सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, मैंने आपको बताया केमिकल्स वगैरह यूज करके बनाए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा नाइलॉन। नायलॉन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस बाय अमेरिकन साइंटिस्ट। नायलॉन को सबसे पहले प्रोड्यूस किया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने। दे प्रोड्यूस्ड इट आफ्टर सिंथेसाइजिंग पॉलीअमाइड सिंथेटिक फाइबर्स। उन्होंने इसको मतलब इन्होंने एक पॉलीअमाइड सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस किया था और उसके बाद फिर उन्होंने उसमें और मॉडिफिकेशंस करके एक नया फाइबर बनाया जिसका नाम था नायलॉन। नायलॉन वॉज मेड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नॉट फाउंड नेचुरली। तो बेटा ये पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर नहीं था, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें लिविंग बींग्स से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं जो हमें नॉन लिविंग से मिलते हैं। तो बेटा इन्होंने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही यूज़ करके उसका पॉलीमराइजेशन करा के और एक फाइबर बनाया था। देखो पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक सेफ्टी पिन है, ठीक है, ये एक सेफ्टी पिन है। बेटा मैं इसमें बहुत सारी सेफ्टी पिन ऐड करती चली जाऊँ तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, मतलब एक चेन बना दो किसी चीज़ की तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ओके, तो ऐसे ही इन्होंने एक मतलब एक मॉलिक्यूल था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, उसका पॉलीमराइजेशन करा के इन्होंने ये नायलॉन फॉर्म किया था। द मटीरियल सो मेड इज मेल्टेड एंड स्पन इनटू यार्न। और फिर जो मटीरियल फॉर्म हुआ था, जो भी मटेरियल मिला था वो मॉलिक्यूल फाउंड वो बनाने के बाद, उसको मेल्ट करके और उसको यार्न उसके धागे बना लिए गए थे। नायलॉन इज एन एक्रोनिम फॉर न्यूयॉर्क एंड लंडन। मतलब बेटा नायलॉन जो नाम है वो दो नामों से आया है, न्यूयॉर्क एंड लंडन। तो नाइम आया है NY से, ठीक है, और लॉन आया है लंदन से, वेयर इट वॉज फर्स्ट यूज, जहाँ पे इनका पहली बार यूज़ किया गया था। नायलॉन का जहाँ पहली बार यूज़ किया था उसी के बेस पे उसका नाम रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका रेयन। रेयन है बेटा आपका, रेयन इज़ यूज ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया। रेयन का यूज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा किया जाता है फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स, टायर कॉर्ड, मतलब कपड़े बनाने के लिए, टायर कॉर्ड्स बनाने के लिए, जो बेटा टायर होता है ना आपका बाहर जो टायर का कवर होता है वो बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग्स बनाने के लिए, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए जो ड्रेसिंग्स बना, सर्जिकल ड्रेसिंग्स आती है ना, जो ड्रेस वगैरह आती है वो बनाने के लिए। रेयन इज़ अ मैनमेड सिल्क। रेयन को मैनमेड सिल्क बोलते हैं। बेटा इसका अपीयरेंस जो होता है वो सिल्क जैसा ही होता है, लेकिन इस रेयन के जो कपड़े होते हैं वो सस्ते आते हैं और सिल्क के कपड़े महंगे आते हैं। ओके, तो इसको मैनमेड सिल्क बोला जाता है क्योंकि इसकी बहुत सारी फीचर्स जो होते हैं वो सिल्क से मिलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्यूरिफाइड सेल्यूलोज। रेयन इज अ मैनमेड सिल्क विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्योरीफाइड सेल्यूलोज। तो इसमें ये बेटा सेल्यूलोज से बना हुआ है। ओके, रेयन फाइबर इज केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन बट हैज शाइन लाइक सिल्क। मतलब रेयन फाइबर जो है वो केमिकली अगर देखा जाए तो कॉटन से मिलता जुलता है, लेकिन शाइन की बात करें तो उसकी शाइन जो होती है वो सिल्क की तरह होती है। नेक्स्ट है बेटा आपका पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के बारे में हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज जो टॉपिक है वो मैं आपका यहीं छोड़ रही हूँ। थैंक यू।